76। चलता रहे चलता रहे। बोल बम बोल बम बम बम। ये देखिए हमारा जोनी बोला चलते हुए। जय करा वीर बजरंगी। ये शिवम बोला बितिन जी का फोन आता बोल बम बम बम। बितिन जी का देखिए बोले हम यहाँ पर आ चुके हैं। आज है यहाँ पर आपकी 31 तारीख और हम यहाँ पर खतौली बाईपास पे यहाँ जोनी के साथ हैं। जोनी बोले गए और हम यहाँ से चल दिए हैं खतौली बाईपास से भी पीछे। हम जो मंसूरपुर से आगे आकर देवराना होटल था वहाँ से चले थे। देवराना होटल से चलते चलते हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। देवराना होटल आने वाला है सामने, लेफ्ट हैंड पर पड़ेगा। देखिए हम हरिद्वार की ओर से आ रहे हैं और हरिद्वार की ओर से आते आते हमें जाना है मेरठ। तो यहाँ पर देखिए देवराना होटल आने वाला है और इसके अलावा हम वहीं पर रुके थे। ये देखिए कितनी बढ़िया कावड़ है सजाई है। बोले यहीं पर लेटे हुए, सुबह का समय है 6:30 बजे हुए हैं अभी। छः साढ़े छः बजे हुए हैं। ये देखिए सब भोले चल रहे हैं अपनी कावड़ ले लेकर। ये देखिए सभी अपनी कावड़ ले लेकर चल रहे हैं। डीजे वाले भी जा रहे हैं। डीजे की आवाज़ हमने बंद कर दी है अपनी वीडियो में क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, गाना बजता है तो इस वजह से। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। ये देखिए पेट्रोल पंप आ गया है और लेफ्ट में वो देख सकते हैं आप, देवराना होटल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कितनी अच्छी कावड़ है दोस्तों, झांकी वाली कावड़। और डीजे अब की बार थोड़ा कम ही है 2024 की यात्रा में, डाक कावड़ इस बार ज़्यादा हैं और पैदल कावड़ यात्री भी काफ़ी ज़्यादा हैं। डीजे हमें इतने ज़्यादा अब की बार दिखाई नहीं दे रहे हैं। पेट्रोल पंप बहुत अच्छी जगह होती है कावड़ियों के लिए क्योंकि वहाँ पर सारी व्यवस्था मिल जाती है। हम भी इस वीडियो में हैं और ये देख सकते हैं आप जोनी बोला भी है, बोल बम करते हुए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा नज़ारा है कावड़ियों का। 31 जुलाई 2024 आज है और हमें जाना है आज कम से कम दोराला पहुंचना होगा खतौली पार करके। अभी हम ज़्यादा नहीं चलेंगे, 8-9 बजे तक चलेंगे। खतौली में अंदर जाकर हम रुक जाएंगे नहर पार करके, उसके बाद फिर हम खतौली को पार करके पूरा हाईवे पर चढ़ जाएंगे। देवराना ही आ चुका है। वहाँ पार करने के बाद फिर हमें कम से कम, हम सोच रहे हैं कि आज कम से कम सपोती टांडा या दोराला तक पहुँचा जाए। लेकिन देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, खतौली बाईपास में अंदर घुस चुके हैं खतौली के। ये हमारे बोले जा रहे थे, जान पहचान के मिल गए थे हमारे गांव के। और ये देखिए डीजे का नज़ारा, डीजे पर गाना बज रहा था, गाना कर दिया हमने बंद, कॉपीराइट की वजह से करना पड़ता है वरना फिर वीडियो पूरी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर बैठे हुए हम देख लीजिए, ये है खतौली बाईपास, ये मेरठ की तरफ जाता है लेफ्ट में पीछे। और ये हमारी कावड़ है यहाँ पर, यहाँ पर मैं भी हूँ और जोनी भोला भी है। बोल बोल बम बम कर रहे हैं सब लोग। हम यहीं से चलेंगे, चलने के बाद जो है नज़ारा आप देखिएगा। नमस्कार। देखिए दोस्तों यहाँ पर डीजे की वजह से, बाहर डीजे बज रहा है उसकी वजह से देखिए डोने में पकौड़ी रखी है, कैसे हिल रहा है डोना पत्थर। और ये देखिए कावड़ कितनी अच्छी बनाई गई है, किसी भोले ने कितनी अच्छी कावड़ बनाई है। लाइटिंग सिस्टम है पूरा, रात को जब चलती होगी। ये देखिए हम खतौली में नहर पार करने के बाद यहाँ पर आकर रुके थे इस मंदिर में, विश्वकर्मा मंदिर है ये खतौली के अंदर। यहाँ पर हम रुके हुए हैं, सुबह आ गए थे हम इसमें 7-8 बजे। यहाँ पर हमें पकौड़ी भी खाने को दी गई है और यहाँ पर कढ़ी चावल भी खा रहे थे लोग, हमने कढ़ी चावल खाए नहीं थे क्योंकि आज एकादशी का दिन है। इसी वजह से जोनी ने भी नहीं खाए थे, जोनी भोले ने। यहीं पर हम आराम कर रहे हैं, सुबह से बजे हैं 5-6 और अब हम यहाँ से चलेंगे और सीधे जाकर रुकेंगे खतौली पार करके। यहाँ से सपोती जाएंगे कम से कम या फिर दोराला, लेकिन अगर बारिश का मौसम है तो बारिश पड़ गई तो वहीं रुकना पड़ेगा। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं खतौली बाईपास पार करके और यहाँ पर सभी शिव भक्त कावड़ियों की कावड़ घूम रही है, लाइट चली गई है बहुत तेज है। यहाँ पर क्या हुआ है आप देखिए, हम यहाँ पर खड़े हैं शिवा ढाबा प्रशांत चौधरी,
ये देखिए शिवा ढाबा, यहाँ पर खड़े हैं शिवा ढाबा पर। और ये यहाँ पर मौसम देखिए कितना ख़राब हो चुका है, बारिश का लग रहा है। आंधी देखिए, आंधी तूफान कितना है, पेड़ हिल रहे हैं। बारिश पड़ जाएगी तो अच्छी बात है, बारिश पड़नी वही वाली है, 99% चांस आज बारिश के। सब कुछ उठ चलाया, देखिए सड़क पर चले गए सारे दोनों पत्थर उड़कर। ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारा है, देखिए कैसे दोनों पत्थर उड़ रहे हैं। ये देखिए कितनी तेज आंधी चल रही है यहाँ पर, ये देखिए बहुत तेज आंधी चल रही है और हमारी कावड़ यहाँ पर झूल रही है। देखिए ये देखिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं खतौली बाईपास पार करने के बाद शिवा ढाबा प्रशांत चौधरी का जो पड़ता है। जब उधर से आते हैं हरिद्वार की तरफ से खतौली पुल पार करने के बाद और जब मेरठ से जाते हैं खतौली पुल पार करने से ठीक पहले ये देखिए दोस्तों 31 जुलाई 2024 को पड़ गई थी बारिश, तो हमें वहीं पर खतौली बाईपास पर रुकना पड़ा था। अभी जो पीछे देखा आपने जहाँ पर बारिश हो रही थी, अब मैं सीधे रात को 12 बजे चला हूँ और सुबह 5:30 बजे आकर रुका हूँ यहाँ पर वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा शिवाय टोल प्लाजा पर। ये देखिए टोल प्लाजा पर रुकने के बाद, शिवाय टोल प्लाजा है यहाँ पर रुकने के बाद, मैं यहीं पर अपने सभी जो हमारे भोले पीछे छूट गए उनका इंतज़ार कर रहा हूँ और यहीं पर आज मैं रुका हुआ हूँ। यहीं पर पूजा वूजा करूँगा, यहीं पर नहाऊँगा और यहाँ से चलने के बाद फिर आगे जाकर जो है आगे जाएंगे और फिर आज हमें कम से कम मोदीपुरम पार करके ओगड़नाथ मंदिर पहुँचना है रात तक मेरठ में। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।